हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। एक वीडियो हमने डाल दी है, 40 रुपए का स्टॉक्स है, ब्राइटकॉम बीसीजी के नाम से जाना जाता है। आप सभी जानते हैं स्टॉक्स के बारे में, बड़ा फेमस स्टॉक्स है। FIIs ने 0% से 13% एज वेल एज हर क्वार्टर में हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर बात करें, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स शामिल है और शेयर के फंडामेंटल्स एकदम फंटास्टिक है। किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, मैं खरीद चुका हूँ। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी करके ही यहाँ पर लीजिएगा, किसी की रिकमेंडेशन है नहीं। और हम बात करने वाले हैं यहाँ पर ड्रीम फॉक्स सर्विस लिमिटेड। यहाँ पर बात करें, शेयर यहाँ पर लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है, हाई बनाया, उसके बाद एक गिरावट होती हुई नजर आई। अब क्या नजर आता है, ओके, चार्ट को देख के, चार्ट तो ऐसे कुछ है नहीं, बट स्टिल यहाँ पर देख के क्या नजर आता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप लोग यहाँ पर से सुरक्षित अपना पैसा, अभी क्योंकि अभी भी काफी लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, नो डाउट। तो यहाँ पर इसी चीज से रिलेटेड बातें करेंगे, ड्रीम फॉक्स सर्विसेज से रिलेटेड। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करिए, ताकि इस तरह की वीडियो मिलती रहे। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं, बेल आइकन को हिट नहीं कर रखे, रिक्वेस्ट है बेल आइकन को हिट करें। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं बस सब्सक्राइब नहीं करते, रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एज वेल एज हमने एक चीज शुरू करने जा रहे हैं, 1 अक्टूबर से एक बैच शुरू होने वाला है, जहां पर हम बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट की बारीकियां सिखाएंगे, जहां पर हम रिसर्च करना सिखाएंगे कि स्टॉक्स की रिसर्च कैसे होती है, बेसिक टू एडवांस टेक्निकल सिखाएंगे कि किस तरीके से टाइम पे निकलना है, किस तरीके से टाइम पे यहाँ पर एंट्री लेनी है, वो सब चीज आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। इसका प्रूफ देखने के लिए आप हमें यहाँ पर एक बार फॉलो कर लीजिए, ओके। यहाँ पर आप फॉलो कर लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, हम यहाँ पर चार्ट डालते रहते हैं, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं, किस तरीके से एग्जिट लेते हैं, और वो चीज और बारीकियों के साथ यहाँ पर आपको सिखाई जाएगी। ट्वीट्स करते रहता हूँ ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे, फॉलो कर लीजिएगा, ओके। यहाँ पर देखिए फर्स्ट बैच शुरू होने वाला है, बिरला सॉफ्ट बताया था, विम्प्लास्ट यहाँ पर भागने को तैयार है, 30% के रिटर्न, 4 शेयर कर दिए गए हैं, एज वेल एज सिगाची 7%। कुछ दिन 3 सेप्टेम्बर को वीडियो बनाई थी, आज 8 सेप्टेम्बर है, 2 दिन के बीच में छुट्टी भी थी, और इसके बाद 2-3 ट्रेडिंग सेशन में 7% ऊपर। इसी तरीके से हमने और भी स्टॉक्स दिए, भारत वाया 60% ऊपर है 1 महीने में, यहाँ पर 32% के रिटर्न 3 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर डीडे में मिल गए। तो ऐसे स्टॉक्स के पिकिंग करने के लिए, सीखने के लिए यहाँ पर सारी बारीकियां, किस तरीके से बड़े बड़े लोग सोचते हैं, किस तरीके से ऑपरेटर सोचते हैं, ओके, वो सब चीज यहाँ पर मिलेगी आपको। ये नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, फोन करिए, मैसेज डालिए, व्हाट्सअप करिए, ओके, और यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर दे दी जाएगी, और इतनी कम फीस में कि जैसे एक पहली के बच्चे की भी फीस बहुत महंगी होती है, उससे भी कम फीस में यहाँ पर आपको सिखाया जा रहा है, और साथ में 6 मंथ की हैंड होल्डिंग दी जा रही है, ताकि कोई प्रॉब्लम हो आप हमसे क्वेश्चन करें, हम आपको जवाब दें। ड्रीम फॉक्स करता क्या है, आईपीओ आया था, ऑलरेडी आपको बता दिया था कि आईपीओ में एग्जैक्टली आपको सब्सक्राइब करना है। इनकी जो सर्विसेज है और जो जिस तरीके का ये बिजनेस करते हैं, उसमें एक तरीके से इनका मोनोपोली है, ओके, और वर्ल्ड में नंबर वन कंपनी है जो इस तरीके के सेगमेंट में लिस्ट होती हुई नजर आई है। तो यूनिक बिजनेस, सब चीज यहाँ पर अलग नजर आता है। तो क्या है बिजनेस, बिजनेस ये है कि आप यहाँ पर, आपके पास सबके पास क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड में यहाँ पर आपको लॉन्च दिए जाते हैं कि आपकी एक लॉन्च फ्री है, आपके 2 लॉन्च फ्री है, इस कार्ड पे इतना आपको बेनिफिट मिलेगा, इस कार्ड पे ये बेनिफिट मिलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्हें तो बैंक प्रोवाइड करता है उस चीज के पैसे, बट आपको वो सर्विस फ्री दी जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेगमेंट में काम करता है। भारत को आगे बढ़ना है, बहुत सारे एयरपोर्ट बनने वाले हैं, और ऑब्वियसली बात है अगर ये लीडर है तो ऑब्वियसली बात है अपनी ये पूरी ग्रिप बना के रखेगा, और ज्यादा यहाँ पर एक्सेस होगा और आने वाले टाइम में और अच्छा खासा ये कर सकता है। तो ये पूरा का पूरा बिजनेस है इनका, और 95% मार्केट शेयर यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है। इशू कैरी एंड डेबिट कार्ड एक्सेस एट द एयरपोर्ट लॉन्च, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्मॉल कैप कंपनी है, 2300-2400 करोड़ की कंपनी है, बट याद रखिए कुछ चीज नेगेटिव भी है, कुछ चीज पॉजिटिव भी है। डेट फ्री शेयर है, पॉजिटिव है, ओके। आरओसीई 25 है, पॉजिटिव है। फेस वैल्यू 2 की है, ओके, और एज वेल एज हाई 550 का लगा के 453, लगभग 50-100 रुपए यहाँ पर नीचे चल रहा है, ओके, वो भी 2 से 3 दिन के अंदर अंदर। इंडस्ट्री का पी 26 का है, इसका 153 का है, तो महंगा है, बहुत महंगा है, इस चीज को याद रखिएगा। बुक वैल्यू कहाँ है, ये शेयर कहाँ है, बट अगर अच्छे शेयर होते हैं तो इसी तरीके की परफॉर्मेंस रहती है, और अच्छा शेयर है, ऑब्वियसली बात है अच्छा शेयर है, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे कौन से भी देख लीजिए, 28 टाइम बुक वैल्यू के पास चल रहा है प्रमोटर्स की होल्डिंग, जो कि इन्होंने इस अभी बेची है, मतलब ओएफएस लाते हुए दिखाई दी है।
तो यहाँ पर बेचते हुए नजर आए हैं। सेल्स की बात करें तो सेल्स आप देख सकते हैं कंपनी की सेल्स, कोविड का बिजनेस था तो ऑब्वियसली बात है एयरपोर्ट बंद है, बट जैसे ही ओपन अप होता हुआ दिखाई दिया, सेल्स आप देख सकते हैं कंपनी की सेल्स क्या होती हुई दिखाई दी है। यहाँ पर ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा जम, क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा खासा जम, घाटे से अच्छे खासे प्रॉफिट में, ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस में मार्जिन मार्जिन अच्छे खासे कंपनी के बढ़े हैं। तो ये सारी चीजें अच्छी दिखाती है, एज वेल एज कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे लगातार अच्छा खासा कंपनी परफॉर्मेंस दे रही थी। ये कोविड का सीजन आया, कोविड खत्म हो गया है, अब दोबारा कंपनी यहाँ पर बैक टू बिजनेस आती हुई दिखाई दे रही है, और धीरे धीरे अब जैसे सब ओपन ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है तो चीजें और अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मार्जिन थोड़े से कम आपको नजर आ रहे हैं ईयरली बेसिस पे, ठीक है, बट और कंपैरिजन में वो मार्जिन भी सुधरते हुए नजर आएंगे। कंपनी का जो प्रॉफिट है, ओके, यहाँ पर दोबारा जो नेगेटिव था वो प्रॉफिट में आ गया है। तो ये सारी चीजें आपको पता ही है किस वजह से हुई थी, तो यहाँ पर हम इसे माफ कर देंगे। रिजर्व्स की बात करें, कंपनी के रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं, कंपनी की बोरिंग ना के बराबर है, कंपनी को बोरिंग की जरूरत भी नहीं है, कंपनी को बस एक सॉफ्टवेयर के थ्रू काम हो जाता है। कैश की बात करें, 15 करोड़ का कैश भी पड़ा हुआ है और स्मॉल कैप कंपनी है, इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। एज वेल एज शेयर होल्डिंग पैटर्न, अभी यहाँ पर 33% के आसपास का यहाँ पर इन्होंने बेच दिया है, 100% उनके पास था, तो अच्छी खासी होल्डिंग सबके पास होगी। ओके, और बड़े बड़े लोगों ने, एंकर इन्वेस्टर्स ने सबने खरीद रखा है, 1 महीने बाद लॉकिंग पीरियड भी होगा, तो वो सब चीज यहाँ पर समझ में आती हुई आपको नजर आएगी। तो आपको उसी के हिसाब से काम करना है, उसी के हिसाब से दिमाग लगाना है, और आपको अपने पैसे को एक सेफ जगह पर, याद रखिए, बेशक से अच्छे रिटर्न देगी नो डाउट, लॉन्ग टर्म में चलेगी नो डाउट, ओके, चीजें और नीचे आ जाती है तब हमें खरीदना है या अभी खरीदना है वो चीज से रिलेटेड जवाब देंगे। बट याद रखिए कुछ चीजें यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा महंगी भी नजर आती है, ऐसे शेयर जब ऊपर के लेवल पर फंस जाते हैं ना, काफी लोग यहाँ पर फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीडनेस ग्रेडीनेस और ऑब्वियसली बात है लालच सबको फंसा देता है, फिर चीजें नीचे आती है। ड्रीम फॉक्स की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसने एक हाई बनाया 550 के आसपास का, ओके, और हाई बनाने के बाद चीजें नीचे आती हुई दिखाई दी और शेयर 438 का इसने लो बनाया। अब क्या होता हुआ नजर आ रहा है, अब होता हुआ नजर ये आ रहा है कि ये शेयर क्या बना रहा है, ये बना रहा है स्पिनिंग टॉप। एक स्पिनिंग टॉप कल बनाया, एक स्पिनिंग टॉप आज बनाया, तो स्पिनिंग टॉप का मतलब क्या होता है, स्पिनिंग टॉप का मतलब ये होता है, एज वेल एज इनसाइड बार भी बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर दो चीजें यहाँ पर याद रखिएगा, सबसे पहले स्पिनिंग टॉप की अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ दैट, अगर इसका हाई निकलेगा, याद रखिए इसका हाई निकलेगा, तो यहाँ पर एक तेजी होती हुई दिखाई दे सकती है जो कि इस शेयर को ऊपर की तरफ ले जा सकती है। एज वेल एज अगर इसका लो निकलेगा स्पिनिंग टॉप का, तो याद रखिए क्या होता हुआ नजर आएगा, तो एक गिरावट होती हुई नजर आ सकती है जो इसे और नीचे खींच के ले जा सकती है। बट यहाँ पर सपोर्ट की भी बात कर लेते हैं, सपोर्ट की बात करें तो याद रखिए ये सपोर्ट है, अगर इसके नीचे चीजें जा रही है तो बेच के निकल जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर और चीजें बेकार हो सकती है। एज वेल एज ये नजर आता है रेजिस्टेंस, ओके, तो चीजें अगर इस जब तक इसके ऊपर ना जाए, समझ रहे, जब तक इसके ऊपर ना जाए तब तक तेजी मानिए मत, क्योंकि हो सकता है कि अगर यहाँ से चीजें निकले तो यहाँ पर दोबारा टच करके चीजें फिर नीचे आए, तो जब तक इस पर्टिकुलर लेवल को ना निकाल ले तब तक यहाँ पर उस तरीके से करिएगा मत। बाकी स्टॉप लॉस को हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस लगाना है चाहे आप लॉन्ग टर्म के हो या शॉर्ट टर्म के हो, इन नई कंपनीज में स्टॉप लॉस के बिना काम मत करना, वरना पैसे आधे और आधे से भी कम हो सकते हैं। अब इनसाइड बार की बात करें तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर ही कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, तो जब तक इसका हाई ये ना निकले तो ये इसके लिए एक पहले रेजिस्टेंस है, सबसे पहला रेजिस्टेंस ये है, उसके बाद रेजिस्टेंस ये है, और एक रेजिस्टेंस बीच में यहाँ पर भी आता है, तो ये सारे रेजिस्टेंस है, इसके अकॉर्डिंग ही काम करना है, ज्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है, कम यहाँ पर चार्ट भी कम है और ज्यादा यहाँ पर हिस्ट्री भी नहीं पता, यहाँ पर OFS के थ्रू शेयर भी बेचे गए हैं, बहुत महंगा भी नजर आता है, एज वेल एज बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी इसके साथ जुड़ी हुई है, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों यहाँ पर है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बिना अपनी बुद्धि का यूज किए दूसरों की बुद्धि के हिसाब से बिल्कुल मत चलिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।